ये जो सेक्शन है नॉन अवेलेबल है, तो इसमें उनको तो 3 साल सजा होगा ही। तो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि उस केस में मैंने पूरे इंडिया में पहला ये करा दिया उन पर समन जारी करने का आदेश, तो सजा भी मैं कराऊंगा, अपेक्स कोर्ट तक जाऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए 13 फरवरी को जी उनको हाजिर होना है। 13 फरवरी के नहीं आते हैं तो फिर हम अगला प्रोसेस में जाएंगे। देखिए, सियासत में कब कौन क्या बोल जाता है ये पता नहीं चलता, लेकिन जब चोट लगती है तो फिर उसका जवाब भी दिया जाता है। कुछ ऐसी ही चोट सनातन को उस वक्त लगी थी जब एक राज्य के बड़े नेता के बेटे ने सनातन को जो है गाली देते हुए कहा था कि ये डेंगू और मलेरिया है। जी, उदय निधि की बात कर रहे हैं और स्टालिन के वो बेटे हैं और उनको अब समन जारी हो गया। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र जी, समन जारी हो गया, क्या एक्शन होगा? जी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि समन जो है वो IPC की 5 धाराओं के तहत जारी किया गया है। देखिए, विगत 2 सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के श्रेनमपेट नामक जगह में सनातन धर्म वाले को कोरोना, डेंगू, मलेरिया धर्म को भी कहा, और उन्होंने कहा कि समूल नष्ट कर देना है। वहाँ तक चल सकता है, ऐसे इन्होंने कहा कि समूल नष्ट कर देना। सबसे पहले तो वो भी भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए था। धर्म किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए माथे की पगड़ी होती है, और ये लोग पॉलिटिशियन जिस तरह से किए हैं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उदयनिधि स्टालिन दंगा करवाना चाह रहे थे देश में वोट के लिए कि दंगा हो जाए, फसाद हो जाए तो हमको वोट मिल जाएगा। तो मैं जब देखा आपके जैसे मीडिया वाले से 2 तारीख को ही संध्या में, उसके बाद 3 तारीख को प्रिंट मीडिया में देखा, तो बहुत मर्माहत हुआ। मैंने इस रूप में कहूँगा, मेरे अंदर भी मैंने मौत सी मायूसी आ गई। दुख और क्षोभ तो हुआ ही, मौत सी मायूसी आई। तो मैंने 4 सितंबर को पटना के माननीय CGM साहब के कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट केस दर्ज कराया, लेकिन उदयनिधि स्टालिन वहाँ वर्तमान MK स्टालिन उनके पुत्र भी हैं और वहाँ युवा कल्याण मंत्री हैं, तो विधायक भी हैं, तो विधायक रहने के कारण उस केस को पटना के माननीय जो न्यायालय है, स्पेशल कोर्ट है, MLA MP कोर्ट, उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। और उसमें मेरा ऐसे हुआ, और सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ विस्तृत रूप से कि उस केस में मैं खुद पिटिशनर बना, इन पर्सन फाइल किया, तो हमारा ऐसे हुआ। उसके बाद 2 गवाही कराए, और विगत जब हमारा बहस था 6 जनवरी को जो विशेष न्यायाधीश हैं माननीय MLA MP कोर्ट के श्रीमती सारिका वहालिया जी ने जब हमारे साक्ष्यों को देखा, तो उन्होंने समन लेने का निर्णय लिया, आदेश किया कि IPC की 5 धाराओं के तहत। कौन से धारा हैं? जी जी, 153A, 295A, 298, 500 एंड 504 के तहत समन लिया गया, जारी करने का आदेश दिया गया था। आज फाइनली 15 जनवरी को उनको समन भेज दिया गया है। तो अब क्या वो अपने एडवोकेट को भेजेंगे या खुद उन्हें आना होगा? देखिए, उसमें नियम तो है कि आप खुद आइए, लेकिन कोर्ट है, अब क्या करते हैं वो जाने। अगर प्रोसेस में नहीं आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है। और मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो नियम है, वही नियम ये बड़े लोगों के लिए है। दंगा भड़काने वाले जो बयान था, तो इन पर भी वही लागू होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं आएंगे तो कुर्की माल जब्ती भी जाएगा, गिरफ्तारी वारंट भी यहाँ से तमिलनाडु पुलिस को जाएगी, उसके वो अपेक्स कोर्ट में हम जाएंगे। अभी तो कोर्ट हमारा काफ़ी है, निचली अदालत जो है MLA MP कोर्ट है। तो मैं इस रूप में आपको कहना चाहूँगा कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई anyone, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता, यह हम सबों से ऊपर है। तो जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया था खुलेआम सभा में श्रेनमपेट नामक जगह में, तो नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर सिटीजन्स। आम जन जब इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर उन पर केस होता है तो सजा होती है, तो क्या अब माना जाए कि अगर ये पूरा मामला आगे बढ़ता है तो अगर जो आपने पिटीशन डाला अब वो केस हुआ तो सजा भी होगी? बिल्कुल जी, सजा होगी। देखिए पत्रकार साहब, 153A और 295A जो है, इसमें 3-3 साल सजा का प्रावधान है, नॉन अवेलेबल धारा है, ये जो सेक्शन है नॉन अवेलेबल है, तो इसमें उनको तो 3 साल सजा होगा ही। और देखिए, किसी भी वकील के लिए या मुवक्किल के लिए, हम दोनों थे उसमें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि उस केस में मैंने पूरे इंडिया में पहला ये करा दिया उन पर समन जारी करने का आदेश, तो सजा भी मैं कराऊंगा, अपेक्स कोर्ट तक जाऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, उनको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि देखिए, किसी भी समाज के लिए धर्म जो है वो माथे की पगड़ी होती है, बार बार मैं कहता हूं, राजनीति जो है पादुका समान होता है। तो उदयनिधि स्टालिन ने
अपने क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, ये 80% आबादी जो सनातनियों का देश में है, मैं शुक्रगुजार हूँ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का कि उन्होंने कोई देश में रिएक्शन नहीं किया, दंगा फसाद के लिए आगे नहीं उतर आए, इसलिए मैं साधुवाद उनको दे रहा हूँ। और एक वकील के रूप में मेरा गौरव का क्षण है कि इंडिया में इस मुकदमा में सर्वप्रथम मुझे उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति दंगा भड़काना चाह रहा था, अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन कर रहा था, उसके खिलाफ सम्मन जारी कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक पिटिशनर के रूप में भी और एक एडवोकेट के रूप में। अगली जो डेट मिली है वो कब? 13 फरवरी को जी उनको हाजिर होना है। 13 फरवरी के नहीं आते हैं तो फिर हम अगला प्रोसेस में जाएंगे, अगले प्रोसेस जी। देखिए 13 फरवरी को सशरीर उपस्थित होना होगा, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कई और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर वो हाजिर नहीं होते हैं और ये डिले होता है तो आगे जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी निश्चित तौर पर, एज अ पिटिशनर, एज एन एडवोकेट जो काम कर रहे हैं कौशलेंद्र नारायण, उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, क्योंकि इससे पूरा हिंदुस्तान आहत हुआ है और सनातन पर अगर चोट कीजिएगा तो जवाब दिया जाएगा, ये इन्होंने साफ किया है। कैमरा सहयोगी विश्वजीत आनंद के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।